ठीक है, सबको जय श्रिया राम। और आज हमारी नसीनु नारी सभा की जो महिलाएं हैं अपने मुखारविंद से और यहाँ पर रामायण की कथा को सुनाएंगे। और जैसे कि आज महिला दिवस है तो हम सभी महिलाओं को और हृदय से धन्यवाद देती हैं। और इस प्रकार से हमारी जो महिला मंडल है नसीनु नारी सभा, उनमें 17 महिला मंडल हैं और जिनमें कुल मिलाकर शायद 100 और से अधिक भी महिलाएं हैं उनमें। और हम आप सबको हृदय से धन्यवाद देते हैं कि हमें ऐसा शुभ अवसर मिला और आज हमें इस प्रकार और आप लोगों के समक्ष और रामायण की कथा को सुनाने का अवसर मिला। धीरे धीरे चलो रे चले जहाँ मोरे राम थे गले, धीरे धीरे चलो रे चले जहाँ मोरे राम के गले, धीरे धीरे चलो रे चले जहाँ मोरे राम के गले, धीरे धीरे चलो रे चले जहाँ मोरे राम के गले, धीरे धीरे चलो रे चले जहाँ मोरे राम के गले, धीरे धीरे चलो रे चले जहाँ मोरे राम के गले, ठीक है। तो हम आज की जो कथा है वो बालकांड की है, तो हम दोहा से शुरुआत करने जा रहे हैं। जैसे कि हमारे पूर्व जो जिन्होंने जो मंडली ने यहाँ पर रामायण की कथा को कहा बहुत ही सुंदर ढंग से कहा और समझाया, हम उनको हृदय से धन्यवाद देते हैं। तो देखते हैं कि दोहा में क्या बतलाती है रामायण महारानी। राम नाम मन दे पधरो जे वद है तुलसे भीतर बाहरो जो चाहत वो जियार सियावर रामचंद्र की जय।
ठीक है और प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। और इस प्रकार से दोहा में बतलाती है, राम नाम मणि दीप धरूं, जीव देहरी हार, तुलसी भीतर बाहुरो और जो चाहत उजियार। और हे तुलसी, जो भीतर बाहर उजाले की इच्छा है तो राम नाम के मणि रूप और दिए को अजिहार रूपी अदेहरी अद्वार पर रखना चाहिए। मणि इस कारण कहा कि उसमें वायु बाधा नहीं कर सकती। मेरा राम ऐसा है, सरयू का जल जैसा है, मेरा राम ऐसा है, सरयू का जल जैसा है, नाम जे है जप जाए योगे बेरत बेरांच प्रपन पे योगे ब्रह्म सुख अनुमायन आकाय नामय नाम न रूपा। मेरा राम ऐसा है, सरयू का जल जैसा है, जाना चाहिए गुणगित जे हो नाम जे है जप जाना है ते हो साधक नाम जप है जहलाए दहे से दयन मादिक पाए। मेरा राम ऐसा है, सरयू का जल जैसा है, जप ही नाम जन आरत भारे मिटहि सुगंधत होय सुखारे। राम भक्त जग चार प्रकाशा सुकते चारया नवय उदारा। मेरा राम ऐसा है, सरयू का जल जैसा है, चाह चतुरन को नाम अधारा ज्ञान प्रमय बेशेष प्यारा। चाहो युग चाहो रुत नाम प्रावो कले विशेष नयान वो पाओ। मेरा राम ऐसा है, सरयू का जल जैसा है। और इस प्रकार से बतलाती है चौपाई में रामायण महारानी कि मेरा राम ऐसा है और सरयू का जल जैसा है। राम तो हर एक प्राणी के मन मंदिर में समाया हुआ है, हर एक प्राणी के रोम रोम में है। और इस प्रकाश को हम सोते जागते चलते उठते बैठते हम राम का नाम लेते हैं। और इस प्रकार से नाम जी है जपि जोग ही योगी, विरंत विरांच प्रपंच भी योगी। और योगी लोग जहाँ से और नाम जप कर और सिद्ध हो जाते हैं। और इस प्रकार से ब्रह्म मुक्का अनुभव करते हैं और जो कथन में नहीं आता, जो रोम रोम रहित और कल्याण रूप नाम और रूप रहित है। जाना चाहिए गुड़ गति जेऊ नाम जीह जपी जाने हो तो हूँ। और जो गुड़ गति जानना चाहते हैं तो नाम का ही और जप करते हैं। जो साधक मन लगाकर और नाम जपते हैं उनको अनि माद्दिक और सिद्धियों और प्राप्त होती है और सिद्धि हो जाते हैं। जो मनुष्य किसी भारी और दुख से और नाम को जपते हैं उनके दुख और मिट जाते हैं और वे सुखी हो जाते हैं। राम के भक्त जगत में चार प्रकार है, अर्थात जिहास
साधक आने यानी कि ज्ञानी के होते हैं, चारों पुण्यात्मा पाप रहित और उद्धार करते हैं, और चारों चतुरों को नाम का आधार है। इनमें ज्ञानी प्रभु को विशेष प्यारा है, और चारों गुण सतयुग त्रेता द्वापर और कलि और चारों वेदों में नाम का प्रभाव अप्रकट है। कलयुग में विशेष करके और उपाय नहीं है, यानी कि केवल राम नाम का ही जपना है। शकल काम ही जय रहे राम भक्त रसले नाम सो प्रेम पे पहरा तिन हो के मन भीन सियावर राम चंद्र की जय। प्रेम से बोलो मर्यादा पुरुषोत्तम भगवान श्री रामचंद्र की जय। और सकल कामना हिन जो राम भक्त रसलीन नाम सप्रेम पियु प्रहद तिन्हों किए मन मीन। और इस प्रकार से जो संपूर्ण कामनाओं से ओहीन राम भक्ति से रस में लीन हो गए हैं, उन्होंने भी राम के प्रेम रूपी अमृत कुंड में अपना अमन अमीन अब बना रखा है। तो आगे चौपाई में चलो पुरवासी प्रेम भवन जहाँ राम नाम का मेला है, राम नाम का मेला है। चलो पुरवासी प्रेम भवन जहाँ राम नाम का मेला है, राम नाम का मेला। अगुन सुगन दो ब्रह्म स्वरूपा अखतयनाधिय गाधयनोपा, अखतयनाधिय गाधयनोपा मोरे मत बड़े नाम किए जो युग निज नाश निजाते, किए जो युग निज वस निज भूते। चलो पुरवासी प्रेम भवन जहाँ राम नाम का मेला है, राम नाम का मेला है। पढ़ सो जन जन जाहे जान के कहो प्रेत प्रेत रुचि मन के, कहो प्रेत प्रेत रुचि ये मन के। एक दारुगत देखे यो एक पावक युग सम ब्रह्म विवेकु, पावत युग सम ब्रह्म विवेकु। चलो पुरवासी प्रेम भवन जहाँ राम नाम का भय गम युग सुगम नाम ते, कहो नाम बड़े ब्रह्म राम ते, कहो नाम बड़े ब्रह्म राम ते। व्यापक एक हृदय निवासी सत चेतन तन आनंद राशि, सत चेतन तन आनंद राशि। यस प्रभु हृदय यक्षतय विकारे सकल जीव जग दीन दुखारे, सकल जीव जग दीन दुखारे। नाम निरूपण नाम जतन ते सो प्रगट जिमि मोल रतन ते, सो प्रगट जिमि मोल रतन ते। चलो पुरवासी प्रेम भवन जहाँ राम नाम का मेला
संत श्रोताओं कहते हैं कि चलो पुरवासी प्रेम भवन जहाँ राम नाम का मेला है। और इस प्रकार से जैसे कि यहाँ पर भी और आज मेला जुटा हुआ है तो किस और इस प्रकार से अगुण सगुण दो ब्रह्म स्वरूपा अखत अनादि अगाध अनूपा और निर्गुण और सगुण दोनों ब्रह्म के स्वरूप है जो कि अखत कहने में और नहीं आते अनादि गंभीर और अनुपम है। मेरे मत में दोनों में नाम बड़ा है और जिसने निर्गुण सतयुग और दोनों अपने और बल के वश में। ठीक है, समय अनुसार के कारण से हमें कीर्तन करेंगे। बजरंग बली हनुमाना तुम्हार शक्ति बलवाना बजरंग बली हनुमाना तुम्हार शक्ति बलवाना जो कोई शक्ति से भक्ति करत है के करो कल्याणा तुम्हार शक्ति बलवाना तुम ही तो लक्ष्मण के प्राण बचाए तुम ही तो लक्ष्मण के प्राण बचाए लाए सजीवन दीना तुम्हार शक्ति बलवाना ना बजरंग बली हनुमाना तुम्हार शक्ति बलवाना तुम्हें तो सीता के खबर लियाए तुम्हें तो सीता के खबर लियाए लाए मुदिर का दीना तुम्हार शक्ति बलवाना बजरंग बली हनुमाना तुम्हार शक्ति बलवाना तुम्हें तो लंका में आग लगाए तुम्हें तो लंका में लंका दहन कर डाला तुम्हार शक्ति बलवाना बजरंग बली हनुमाना तुम्हार शक्ति बलवाना तुलसी दास बजो भगवाना तुलसी दास बजो भगवाना राम शरण लौलीना तुम्हार शक्ति बलवाना
हनुमाना बजरंग बली हनुमाना तुम्हार शक्ति बलवान।